नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल का जो फील्ड है वो कैसे चुना, और इस फील्ड के बारे में उन्होंने कैसे जाना, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, ये सारी जानकारी हम लेंगे इनसे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। तो हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं ग्रेजुएट हूँ बीएससी इन बायोलॉजी स्ट्रीम। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, साथ ही मैंने कंप्यूटर इन एप्लीकेशन किया है, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं एनसीसी का स्टूडेंट था अपने स्कूल टाइम में, और यही स्किल जो कि साथ है दिया मेरे को, जैसे कि टीम वर्क है और फिर लीडरशिप है और जो पंक्चुअल है और डिसिप्लिन है, ये सब मेरे एनसीसी से आया है। तो ये बताइए कि मतलब आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में, मतलब कैसे आपको कैसे पता चला इस फील्ड के बारे में, कहाँ से पता चला, मतलब कुछ तो ऐसे कहीं से जानकारी मिली होगी कि ये फील्ड पे लैब टेस्ट वगैरह होता है और इसमें क्या स्कोप है वगैरह, ये सब कुछ पता चला होगा। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ बीएससी बायोलॉजी के बाद, तो उसके बाद मैं फर्दर स्टडी के लिए ऐसे सोचा नहीं था, तो ऐसे ही एक जान पहचान में हमारे रिलेटिव में यानी कि डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम लैब में काम करना चाहोगे ऐसा करके। तो ऐसे ही मैं जनरली कि हाँ सर कर सकता हूँ ऐसा करके गया, तो धीरे धीरे पता चला कि मेडिकल एक फील्ड होता है जहाँ लैब टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन का जो काम रहता है जैसे कि ब्लड टेस्ट कराता है। तो उस फील्ड में मेरे को एक्साइटमेंट हुआ कि हाँ ऐसा भी फील्ड होता है और इस फील्ड में आगे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ जो मेरे लिए कैरियर बना सके। तो इस तरह से मेरे को यानी कि मेरे रिलेटिव के थ्रू पता चला कि लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स होता है ऐसे करके। मतलब कि आपने पहले सबसे पहले बीएससी किया, बीएससी जूलॉजी में किया क्या? हाँ मैंने नॉर्मल बीएससी किया जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी किया हूँ, और उसके बाद फिर पता चला फिर डीएमएलटी किया। अच्छा, उसके बाद फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बहुत सही किया आपने। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों को कुछ गलत जानकारी रहती है या फिर कई लोग गलत जगह से कर लेते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आपको पता ही होगा इतना साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली में अभी भी जो ऐसा है ना कि कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कोर्स करे या ना करे, तो मुझे क्या लगता है कि आपने जो किया ना वो सही था, क्योंकि आपने जो बीएससी किया है ना, तो बीएससी जूलॉजी किया है, तो आप दूसरे कोर्स के लिए, मतलब दूसरे जो जॉब वगैरह है ना उसके लिए भी एलिजिबल हो। कुछ एलिजिबिलिटी इसमें आपको क्राइटेरिया मिलती है, जैसे कि बीएड वगैरह अगर आप करना चाहते तो बीएड वगैरह के लिए एलिजिबल होते, उसमें बायोलॉजी वगैरह आप पढ़ा सकते थे, और डीएमएलटी करके आप और आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बीएससी आपका ऑलरेडी है, तो बीएससी के साथ जो है आपको बहुत सारी और एलिजिबिलिटी मिलती है। तो डीएमएलटी करने का, बीएससी करने के बाद का फ़ायदा मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्वेल्थ के बेसिस में जो डीएमएलटी करते हैं उसमें थोड़ा लोग मार खाते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी से, लेकिन अभी ऐसा है कि आप बीएससी कर चुके हो फिर डीएमएलटी कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो एमएससी करने के लिए भी, तो और हायर डिग्री अगर आप करना चाहते हो तो और इसमें आपको, मतलब यहाँ इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब बाकी लोगों को मैं भी यही बता रहा हूँ कि जो लोगों को नहीं पता है तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो मतलब आप इस फील्ड पर आए थे पहले, तो इसके ऊपर में आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया था, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको ये बताया था कि इसमें लैब टेस्ट वगैरह होता है, इसमें कुछ रिसर्च किया था कि इसमें जॉब कैसे मिलेगी और सैलरी कितनी मिलेगी और कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारा चीज कुछ पता किया था कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? धन्यवाद। जैसे कि मैं बताया था कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ऐसे ही टॉक टू टॉक हुआ था, तो फिर बताया थे कि क्या तुम जॉब करना चाहते हो करके, तो जनरली फिर हाँ मैं बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा करके। तो उसके बाद ही मैं डिप्लोमा करना स्टार्ट कर दिया, तो मगर उसका मैंने मेरे को ज्यादा डिटेल मालूम नहीं था कि लैब टेक्नीशियन में से कुछ ना पता चला था कि हाँ डिप्लोमा होता है जिससे मेरे को एक डिग्री मिल जाएगा जो मैं लैब टेक्नीशियन बन सकता था। फिर मैं जैसे ही डीएमएलटी किया, फर्स्ट ईयर मेरा कम्प्लीट हुआ, तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लोर किया और ज्यादा रिसर्च किया, तो फिर पता चला कि इसमें बैचलर डिग्री होता है, बैचलर डिग्री करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हो और मास्टर डिग्री करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो इस फील्ड में। तो
फील्ड के बारे में मेरे को ज्यादा उतना आइडिया नहीं था। बाद में जैसे मैं स्टडी करते गया, फिर ज्यादा लोग से मिलते गया, जान पहचान होते गया, तो पता चला कि एक फील्ड में आप जैसे प्रॉपर जाओ तो बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में। और जैसे कि इसमें सबसे बेटर आप रहेगा कि आपको बैचलर करें तभी बेटर रहेगा, कि बैचलर करेंगे तो बैचलर के बाद आप मास्टर कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और बैचलर करने अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो लैब टेक्नीशियन में, तो आपको बहुत सारा वैकेंसी में आपको डिजायरेबल हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी होता है जिसमें बैचलर इन लैब टेक्नीशियन मांगा जाता है, तो उसमें आप डिप्लोमा वाले यानी कि एलिजिबल नहीं हो पाते। या तो आप डिप्लोमा की हो तो आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आपको बैचलर डिग्री चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को एडवाइस है कि आप बैचलर डिग्री लें। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं अभी, क्योंकि सबको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो पैरामेडिकल काउंसिल का जो है ना बहुत लेट चल रहा है प्रोसेस जो है, क्योंकि मैं फरवरी में दिया था और अभी तक मुझे कोई अपडेट मालूम नहीं है। लास्ट मंथ मैंने पता किया था जान पहचान वाले से, तो बोले कि अभी एक बार जो नोटिस लगा है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ पूछना रहेगा तो रक्षाबंधन के बाद पूछना करके। तो अभी रक्षाबंधन के लास्ट वीक की रक्षाबंधन गया है, तो आगे पूछने के लिए मेरे को एक मंथ बाद और जाना पड़ेगा। तो यहाँ का प्रोसेस बहुत ज्यादा ही स्लो है। और जैसे कि मध्य प्रदेश से जो पैरामेडिकल काउंसिल पहले मेरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में 1 महीने में आपका पैरामेडिकल काउंसिल आ जाएगा और अगले 1 महीने में एनओसी भी आ जाएगा आपको। मगर मैं फरवरी से दिया हूँ एप्लीकेशन यहाँ छत्तीसगढ़ में, मगर अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है प्रोसेस, क्योंकि फरवरी से दिया हुआ अगस्त तक खत्म होने वाला है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। देखो मेरा तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने अपना पढ़ाई किया है बीएससी एमएलटी पंजाब से, पंजाब में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है बाहर वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया बना रखा है, उस हिसाब से इन लोग जो है रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो मेरा लगभग 8 महीना लगा था रजिस्ट्रेशन होने का, मैंने पूरा होप मतलब खो दिया था मैंने कि मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने अप्लाई किया, मेरा एक पहचान में वहाँ पर एक लड़का था जो कि इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो उसने थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो उस वजह से मेरा थोड़ा रजिस्ट्रेशन मिल पाया। लेकिन मैंने बहुत इसमें कोशिश किया कि मेरा रजिस्ट्रेशन जल्दी मिले, लेकिन यहाँ का प्रोसेस क्या है, यहाँ का प्रोसेस पहला चीज़ तो ऑफलाइन है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आप डॉक्यूमेंट जमा करो और ऑनलाइन ही आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, फिर वहाँ से एनओसी लाकर आपको बस जमा करना रहता है ना, जैसे एमपी से अगर आपने किया तो। लेकिन मेरा केस ऐसा था कि मैंने पैरामेडिकल काउंसिल नहीं होने की वजह से वहाँ पंजाब में, वहाँ पर मेरा कोई काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं, तो वहाँ से मैं एनओसी भी नहीं ला सकता था। लेकिन यहाँ एक क्राइटेरिया था कि आप अगर यूजीसी प्रमाणित यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब वेरीफाई करके आपको सत्यापन कर दिया जाएगा, ऐसा करके कुछ था। तो उस हिसाब से मैंने अप्लाई किया था, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा वो नहीं था, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए था वो नहीं था। उसको मैंने 3 से 4 बार फिर से स्पीड पोस्ट किया था, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते थे, मतलब एक नोटिस जारी करते थे ये आपका नहीं है करके। तो फिर मैंने वेरिफिकेशन के लिए जो है यूनिवर्सिटी को भी डॉक्यूमेंट्स भेजा था कि वो वेरीफाई करके इनको भेजे, ये भेजे थे, पता नहीं है किधर भेजे थे, मेरे यूनिवर्सिटी को कहाँ भेज दिए थे, वो मेरे यूनिवर्सिटी तक पहुँचा ही नहीं था, मैंने फ़ोन करके पूछा यूनिवर्सिटी को। फिर उसके बाद में जब मैंने वेरिफिकेशन के लिए भेजा, फिर उसके बाद फिर वो बहुत दिन से नहीं कर रहे थे मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा जो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार है जितेंद्र तिवारी, उनसे थोड़ा बहस भी हो गया था, मैं गया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब इसका फिर से वेरिफिकेशन भेजेंगे, उसके बाद करेंगे ये वो, बहुत सारा तमाशा हुआ था इसमें। फिर फाइनली जाकर लास्ट में मेरा 8 महीने बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिला। तो अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एक वो हो जाता है ना, सिक्योरिटी आ जाता है कि भाई अभी इतना सारा गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह आ रहा है छत्तीसगढ़ में, हर चीज़ में यहाँ पर वो मांगता है, पंजीयन मांगता है। तो अगर नहीं होता तो थोड़ा दुख लगता कि यार मेरा पंजीयन नहीं है, नहीं तो मैं भी इसमें भर सकता था, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा हॉस्पिटल वगैरह में, तो मेरा डालता हूँ लेकिन मेरा नाम वगैरह नहीं आता, जिसका जो कोविड में जो काम किया हुआ है ना, उस टाइम पे मेरा तो कोर्स चल रहा था, उस टाइम पे मैं काम नहीं किया, जो कोविड में कोर्स जो काम कर रहा था उस टाइम पे उसको 10 नंबर बोनस मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए है, उन लोगों का नाम, जैसे मेरा 50 नंबर आया है ना, तो मेरा 50 नंबर इंडिविजुअली मेरा कोर्स का आया हुआ है,
लेकिन उन लोगों का जैसे 30 नंबर आया है ना कोर्स का मिला के, उसमें 10 नंबर 40 नंबर जैसे आया है और 45 नंबर जैसे आया है, तो उन लोगों का जो कोविड का जो मिला हुआ है ना 10 नंबर, उसको मिला के उन लोगों का 55 नंबर बन जाता है और मैं वहाँ पर मार खा जाता हूँ, मेरा नाम नहीं आ पाता है, ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा आप ये बताइए कि आप जब कोर्स कंप्लीट किए थे तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, कि मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा, कि आपको लगा होगा कि यार कोर्स क्यों किया, ये सही नहीं लग रहा है या फिर जॉब सही नहीं है, ये कुछ कुछ लगा क्या ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में, और जैसे कि मैं बताया था कि मैं काम भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को डेली रूटीन आ गया था, जैसे कि सैंपल निकालना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, तो बहुत ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट था। अगर आप कोई भी फील्ड में जैसे इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि हाँ मैं इस फील्ड में क्यों आ गया ऐसे करके। तो शुरू से जैसे मेरे को पता चला कि लैब टेक्निशियन है, ये सब काम रहता है, लैब रिलेटेड रहता है, खून जांच रहता है, बहुत सारा चीज सीखने मिलता है, तो मेरे को इंटरेस्ट था सीखने में, और फिर काम में मन भी लगा, अच्छे से काम किया, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और फिर मेरे को जैसे ही काम करते रहा, मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम कर रहा था, वैसे मेरे को फेस नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम। फेसिंग अगर प्रॉब्लम करे तो भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब अभी मेरे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तब तक ऐसे कुछ सोच भी नहीं सकते। अगर हाँ प्राइवेट सेक्टर में आप करना चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा चीज है जो आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज रहेगा कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सीखने मिलेगा, तो जैसे कि आप अपना बिजनेस भी डालना चाह रहे हो, जैसे आपका खुद का ही लैब करना लैब खोलना चाह रहे हो, तो आप अच्छे से एक डायग्नोस्टिक सेंटर में अच्छे से सीख लीजिए, वहाँ कैसे का इन्वायरमेंट रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारा नॉलेज भी हो जाएगा, जब कौन कहीं नहीं मिलेगा, जो आप टाइम देंगे तभी आपको ये सब मिल जाएगा, आपको कोई एक दिन में नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप दिन भी दिन आप काम करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारा डाउट रहेगा, दूसरों की गलतियों से सीखोगे, तो आपको एक टाइम टू टाइम आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपके साथ सबसे अच्छा चीज़ क्या हुआ है पता है, मतलब आपको किसी डॉक्टर ने ये गाइड किया इस कोर्स के बारे में, दूसरी चीज आपने मतलब आप जब कोर्स कर रहे थे तब से ही आप जब काम कर रहे थे ना, एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो आप उस चीज में बने हुए थे, फ्लो में थे, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप शुरू से आखिरी तक काम ही कर रहे हो। और मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर जॉब सैलरी वगैरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी लगा उस चीज़ को लेकर। और दूसरी चीज़ कि मतलब यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, तो वहाँ पर जब जाओगे ना तो वहाँ बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास इंटर्नशिप है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस ले गया। अब भाई तुम जब तक जॉब नहीं दोगे तब तक कहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा बताओ? तो कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, जब तक उन लोगों का कोई रेफरेंस नहीं है या फिर उन लोगों का किसी के साथ पहचान नहीं है, तो ये भी मैटर करता है। मतलब अगर ये कोर्स वगैरह कर रहे हो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स, तो ये भी मैटर करता है कि आप किसी से अच्छा पहचान वगैरह बना के रखो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको पूछते हैं जो कि हमारे ऑडियंस ज़्यादातर सुनना चाहते हैं, मतलब आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि जो जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो ऐसा क्या गलती ना करे जो कि उन लोगों को बाद में जाकर दिक्कत हो, ये आप बताइए। जैसे कि सबसे पहली बात है, अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन के फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका एक बेसमेंट अच्छे से तैयार रहना चाहिए, आपको अच्छी सी प्रिपरेशन रहना चाहिए, जो ट्वेल्थ बायोलॉजी में अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद मैं प्रीफर करूंगा कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट जो लैब टेक्नीशियन रहता है, जैसे कि एमएससी पढ़ाई होता है, आप उसमें प्रीफर कीजिए। सबसे अच्छा जो क्या है लैब टेक्नीशियन का एमएससी होता है, एमएससी होने के बाद आपको फर्दर स्टडी करने मिल जाता है, और या तो हो सके तो आप डिप्लोमा अवॉइड करेंगे, फर्स्ट आप ना बैचलर डिग्री लें। बैचलर डिग्री से क्या है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आपका जो नॉलेज बहुत ज्यादा गेन होगा, तो उससे आप फर्दर स्टडी तो कर पाएंगे, और सिर्फ बीएससी के बेस में आप बहुत जगह जॉब में अप्लाई कर सकते हैं।
और जैसे कि गलती में किया जाए तो आप जैसे कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे से एक बार देख लीजिए कि आप सही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, सही कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर आप अच्छे से नहीं चुन रहे तो आपको पहली बात अगर कॉलेज में आपका अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा तो आपको ना आपको थ्योरी नॉलेज होगा और ना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। जैसे कि मेरा बात करें तो मैं तो क्या है काम करते करते मैं पढ़ रहा था तो मेरे को तो प्रैक्टिकल नॉलेज था ही, मेरे को अपना एफर्ट जो देना पड़ा वो थ्योरी नॉलेज भी देना पड़ा। अगर आप कहीं आप अगर दूर जाके स्टडी कर रहे हो अगर कॉलेज से स्टडी करो तो आपको मेन थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको कॉलेज ही कराएगा। अगर आप कॉलेज अच्छे से नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ना आपका अच्छे से थ्योरी इम्प्रूव होगा और ना अच्छे से आपको प्रैक्टिकल आएगा। तो मैं मेन फोकस ये करना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अच्छे से उसके बारे में पूरा डिटेल जान लीजिए, उनमें जो पढ़ के निकले उन स्टूडेंट से आप बात कर लीजिए कि हाँ प्रैक्टिकल कैसे होता है थ्योरी कैसे होता है और जो आगे फर्दर स्टडी इस कॉलेज से करने के बाद हम कर सकते नहीं कर सकते। आप एक बार अच्छे से गाइड लेने के बाद ही आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप ट्राई करिए। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें अचीव की हुई है। जैसे कि अभी ये रिसेंटली इन्होंने जो है आईआईटी में कुछ प्रोजेक्ट वर्क था ना आपका, उस प्रोजेक्ट वर्क में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इन्होंने पहले मुझे पूछा भी था, मैंने बोला भी था आपका ज़रूर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने 2-3 दिन पहले मुझसे पूछा था और इनका सिलेक्शन हो भी गया। तो अभी ये आईआईटी भिलाई में कार्यरत है, तो थोड़ा इसका एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिए कि कैसे जो है आप यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, इसके पहले का जो एक्सपीरियंस है जो आप लैब में काम कर रहे थे लाइफ केयर में है ना, वो भी आप बताइए कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या उसमें सीखा है आपने और ऑडियंस को क्या इस चीज से सीखना चाहिए आप ये बताइए थोड़ा। जैसे कि मैं जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं लैब में आया तो मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरे को कुल में निकालना नहीं आता था। जब पहली बार मैंने सीरीज अपने हाथ मिला था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। तो क्या है जो मेरी स्टार्टिंग थी यानी कि हर चीज यानी कि सीखने की लग खुद थी, हर चीज मैं सीखते चला हूँ। जैसे कि सैंपल लेना है, सैंपल लेने के बाद उसके बाद मैं मशीनों के बारे में जाना कि कौन कौन सी मशीन है, उसके बाद फिर टेस्ट परफॉर्म किया जैसे कि सेमी ऑटोमेटेड के बाद फिर हेमेटोलॉजी है, फिर कल्चर लगाना सीखा, उसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री ऑपरेट किया फुल्ली ऑटोमेटेड का, ये सब चीजें सीखने मिला। और जैसे कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कई लोग आते हैं जैसे कि नए नए आ गए हैं फिर बोलते हैं कि हमको तो कुछ सिखा नहीं रहे हैं, सीनियर ये करा रहे हैं ये नहीं करा रहे हैं एक ही काम करा रहे हैं। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को धीरे 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 अपने आप को डेवलप करना है और धीरे धीरे हर हर एक चीज में नॉलेज की अच्छी पकड़ रखनी है। तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि आपको अगर अच्छे सीनियर्स मिल जाए, जैसे कि मेरे को मिले थे, मेरे जो सभी सीनियर्स से मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, हर एक चीज को बताते थे। जैसे कि कुछ भी पूछो तो एनी डाउट हमको यानी कि क्लियर करते थे कि ऐसा है वैसा है ऐसा करके। और आईआईटी की बात करें तो जैसे कि मैं अचानक से मैं ऐसे यूट्यूब इंस्टॉल कर रहा था तो यूट्यूब इंस्टॉल करने में एक ऐसी जॉब वैकेंसी आई थी कि आईआईटी भिलाई में लैब टेक्नीशियन का अपन की पोस्ट है ऐसा करके। जरिए मैं वीडियो सर्च किया और उसके बाद मैं अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद फिर बाद में फिर आया कि शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट लिस्ट हुआ मेरा नाम। तो जिस दिन ना 2 दिन पहले मेरे को ईमेल आ गया था मगर मैं देखा नहीं था मेल आईडी अपने को, तो मेल आईडी वगैरह उतना चेक नहीं करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह है तो व्हाट्सएप वगैरह देखते रहता है, यूट्यूब है। तो ना ऐसे ही इंस्टॉल करते करते अचानक से मैं भी जीमेल खोला, तो जीमेल खोला तो उसमें मेरे को मेल आया था कि आपका इंटरव्यू है, अगर आप इंटरव्यू में आना चाहते हैं तो यस करके एक गूगल फॉर्म था, गूगल फॉर्म को सबमिट करना था। तो गूगल फॉर्म जो सबमिट करने का टाइम था वो 5 बजे था और मैं मेल देखा था 4:45, 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, ओके किया कि यस मैं इंटरव्यू के लिए आऊंगा ऐसा करके। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू में फिर पूछे कि क्या है कैसे है करके, तो फिर बताया जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो सिकल सेल एंड कैंसर सेल जो रिसर्च है उसमें हुआ है, प्रोजेक्ट बेसिस में, जैसे कि जो ट्राइबल एरिया है उसमें सिकल सेल और कैंसर सेल का रिसर्च करेंगे कि कितने जो एरिया में ट्राइबल एरिया में कितने लोग को सिकल सेल है और सिकल यानी कि बीमारी है और कितने को कैंसर है ऐसा करके उसमें रिसर्च करना है। तो वहाँ मेरे को पूछे थे कि आपको क्या नॉलेज है क्या क्या किए हो,
तो मैं अपना पूरा बताया कि सर मेरे को सभी डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि हेमेटोलॉजी आ गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया, सीरोलॉजिकल आ गया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट आ गया, सभी डिपार्टमेंट आते हैं। तो जनरली हमारा जो काम रहेगा एक माइक्रोबायोलॉजी रहेगा और जो एक रहेगा हेमेटोलॉजी रहेगा, ये दोनों में काम रहेगा। और आईआईटी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला है, क्योंकि जो मैं पीएचडी स्कॉलर है उनके साथ रहता हूँ, जो रिसर्च करते हैं उनका एक मैं पार्ट हूँ। और ऐसी अभी अभी चल रहा है कि मेरा फर्स्ट मंथ है ज्वाइनिंग, 2-3 दिन में फर्स्ट मंथ कम्प्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से चल रहे हैं जॉब। अच्छा, अभी इसमें आपका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब कौन सा पोस्ट आपको मिला है इसमें? टेक्निकल मेरा जो रहता है टेक्निकल असिस्टेंट का है, जैसे कि लैब में जो सिकल सेल और कैंसर कल्चर जो कैंसर सेल रहेगा, तो कैंसर सेल जो ग्रोथ कराएंगे उसमें जो लैब मेंटेनेंस कराएगा, डाटा देखना पड़ेगा कि कैसे, यानी कि सेल ग्रोथ कर रहे, जो सेल फैसिलिटी रहेगा उसमें मेंटेनेंस कराएगा, और प्लस जो ट्रैवल एरिया में जाके सैंपल निकालना है, और उसके बाद जो उनका सिकलिंग टेस्ट करके बताना है कि हाँ इनका सिकल सेल है कि नहीं है, सिकल सेल डिजीज है कि सिकल सेल कैरियर है, इनको इन्फॉर्म करना है और थोड़ी बहुत जानकारी देना है सिकल सेल के बारे में। और प्लस लैब में मेरा काम ये रहेगा कि जो सेल कल्चर ग्रोथ करेंगे उसका मेंटेनेंस कराएगा मेरा। तो जिन लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है ना, मतलब ये जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह आता है, तो इसमें जो बड़ी बड़ी जो संस्था होती है ना, वो ऐसे एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे वर्क करती है ताकि उसके ऊपर में रिसर्च हो सके। तो ये रिसर्च होता है ना, तो इससे ही बहुत सारी चीज़ें पता चल पाती है, और इससे ही जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस वगैरह का इसमें एक जरिया मिल पाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट चलता है इसमें ना, एक पोस्ट, दो पोस्ट, तीन पोस्ट ऐसे करके आता है, जितना भी वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए ज़्यादातर आता है, एमएलटी वालों को ज़्यादा इसमें प्रिफर किया जाता है क्योंकि वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और नर्सिंग वाले होते हैं, फार्मेसी होते हैं, उन लोगों को भी इसमें प्रीफर करते हैं। तो ज़्यादातर एमएलटी वाला ही मैंने देखा है। कुछ मैं जहाँ पर काम कर रहा था इसके पहले 6 महीने 7 महीने मैंने भी काम किया है आईसीएमआर डेप्स में। डेप्स एक प्रोजेक्ट था, डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये प्रोजेक्ट का नाम था और इसी के ऊपर में हम रिसर्च करते थे। इसमें ज़्यादातर जो है वो जो डाइट होता है, डाइट जिन लोग, मतलब जो लोग हर दिन डेली रूटीन में अपना जो खाना पीना खा रहे हैं उनके बॉडी में वो कितना लगता है, उस हिसाब से उनका बॉडी वेट कितना बढ़ रहा है, कितना उनका हाइट बढ़ रहा है, उस हिसाब से रीजन वाइज जो है अलग अलग हम इसमें रिसर्च करते थे। तो इसमें मैं उड़ीसा में था, तो उड़ीसा में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हमको मिले हुए थे। उस ट्राइबल एरियाज में हमको 2 दिन का, पहले तो गए थे तब 5 दिन का टारगेट दिया था क्योंकि हम लोग नए नए थे। उसके बाद फिर उसको 4 दिन किया गया, 3 दिन किया गया, 2 दिन किया गया, फिर लास्ट में जब लास्ट लास्ट मंथ के एंड में 1 दिन कर दिया गया। तो 1 दिन में हमको उसको कंप्लीट करना रहता था। हम लोग जाते थे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, हमको कार दिया जाता था, हम कार में आराम से जाते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हमको कम से कम 100 से 150 किलोमीटर भी हमको जाना पड़ता था सैंपल लेने के लिए। तो जो ट्राइबल एरियाज में एक हमारे जो फील्ड वर्कर्स होते थे वो पहले से नंबरिंग कर दिए होते थे, बाउल भी दिए रहते थे कि अगले दिन जो है सैंपल लेने के लिए आएंगे, ब्लड सैंपल, आपको ब्लड सैंपल देना है। तो वो पहले से तैयार रहते थे, खाना पीना जनरली नहीं खाए रहते थे सुबह, क्योंकि हमको फास्टिंग सैंपल लेना रहता था। तो हम जो है ब्लड कलेक्ट करते थे, लेके आते थे, उसको प्रोसेस करते थे, डेटा को पास करके वो जो है हैदराबाद भेज देते थे। तो उससे जो है पूरा रिसर्च जो है, वो जो साइंटिस्ट, जो मेन साइंटिस्ट है जो कि ये रिसर्च कर रहा है, वो सारा डेटा लेकर हमारे जरिए उसके ऊपर में एक रिजल्ट निकालता है, इंटरप्रेट करता है उसको। उसके बाद जो है पता चल पाता है कि इस एरिया में किस तरीके का जो है खाना पीना ये खा रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों का प्रोटीन विटामिन इन लोग के बॉडी में लग रहे हैं या नहीं लग रहा है, ये सारा चीज़ ऐसे ही जो है प्रोजेक्ट वर्क चलता है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क चलता है। तो वैसे ही जो है कुशाल भी अभी इसी प्रोजेक्ट वर्क में कर रहे हैं, आपका सिकल सेल के ऊपर में ना, मेरा खासकर एनीमिया को लेकर था। तो बच्चे लोगों को ज़्यादा प्रीफर करते थे क्योंकि बच्चे लोग के लिए ऊपर ही ज़्यादा ये होता है, क्योंकि वो बचपन से सही से खाएंगे पिएंगे नहीं तो कुपोषित हो जाएंगे। तो मेरा NIN से था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो जो है ये डाइट और जितने भी फूड मटेरियल वगैरह जो होता है ये सारे चीज़ों के ऊपर ही सर्वे करवाता है। तो मेरा कुछ ऐसा था। और आपका सिकल सेल पे चल रहे हैं, आपको
बहुत बहुत बधाई है कि आपको ये जॉब मिल गया। और अभी कितना साल का टेन्योर है इसमें आपका? इसमें जो है मिनिमम जो 1 ईयर है और एक्सटेंड करके 2 एंड 3 ईयर तक चलेगा। तो हाँ देखो, एक 1 ईयर का तो अपॉइंटमेंट जो रहता है 1 ईयर का रहता है, जैसे मेरा परफॉर्मेंस देखते हैं फिर इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर तक रहेगा ये, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक। हाँ तो देखो वही है कि मतलब जैसे हम लोगों को भी एक बताया गया था कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों को इसमें 4 महीने का अपॉइंटमेंट लेटर दिया था सबसे पहले जब हम लोगों का इसमें ज्वाइनिंग हुआ था। तो उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड करके 6 महीने लेकर गए थे। 6 महीने से वो 7 महीने भी लिया, 7 महीने में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर जो है मुझे रखा था पर्सनली, 3 लोगों को इसमें रखा था, बाकी लोगों को भेज दिया गया था उनके घर, क्योंकि उन लोगों का टेन्योर ओवर हो गया था। मेरा भी टेन्योर ओवर हो जाता लेकिन मेरा परफॉर्मेंस देख के उन्होंने रखा था। लेकिन सब लोगों के जाने के बाद मेरा भी एक थोड़ा मन था ना, वो थोड़ा उदास हो गया। मतलब सब लोगों के साथ काम करने का आदत था, ऊपर से मैंने सोचा था कि मतलब थोड़ा टाइम मिलेगा कि मैं अब थोड़ा आगे का भी पढ़ दूंगा, तो वो भी नहीं मिल पा रहा था। पूरा बर्डन मेरे ऊपर ही आ गया था अकेले, तो मुझे मजबूरन थोड़ा उसमें रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ आगे का, तो उस वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ा था। और मैं आगे अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि आगे भी थोड़े दिन बाद मैं ये अपॉर्चुनिटी फिर से देखूंगा, फिर से अगर प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा तो फिर मैं भी उसमें फिर से जाऊंगा। तो आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये पहला इंटरेक्शन था हमारा वीडियो कॉल के थ्रू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, जो कि ऑडियंस लोगों को ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता ही है ऑडियंस का। जैसे कि कोई 12th अपना कंप्लीट करता है ना, तो 12th कंप्लीट करने के बाद उसको क्या प्रिफर करना चाहिए? सबसे पहले इस फील्ड में पैरामेडिकल में घुस जाना चाहिए, या फिर उसको नीट वगैरह करना चाहिए, या फिर ड्रॉप लेके नीट करना चाहिए? आप क्या क्या रिकमेंड करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो इसके ऊपर? अगर रिकमेंड मैं करूंगा तो आप प्रिफर तो नीट को ही करें। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रिफर मैं नीट ही करूंगा। और नीट के लिए भी बेस जो आपको 11वीं से ही तैयार करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हाँ मैं 12वीं अभी बायो लेके पढ़ रहा हूँ उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि 11वीं से आप अपना बेस तैयार करेंगे, 11वीं आप पढ़ेंगे फिर 12वीं में बेस तैयार करेगा, फिर आप कोचिंग करेंगे तब आप जाके क्लियर कर सकते हैं। और मैं प्रीफर करूंगी आप पहले नीट ही प्रीफर करूंगा, नीट आप दिलाए और डॉक्टर बने, डॉक्टर की पोस्ट आप ले। अगर डॉक्टर के नहीं होता तो आप फिर इस फर्दर आप पैरामेडिकल कोर्स में आ सकते। पैरामेडिकल कोर्स में कौन सा कोर्स है, जैसे कि हम लोग डिप्लोमा लैब टेक्निशियन करते हैं, वेटरनरी लैब टेक्निशियन करते हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें मतलब पैरामेडिकल में भी बहुत सारा फील्ड है, जैसे कि रेडियोलॉजी है ज्यादातर जो चलता है, रेडियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन का, और कुछ कुछ कोर्सेस है जो कि करते हैं लोग। तो इसमें MLT में ज्यादा फायदा है या फिर बाकी कोर्सेस में फायदा है, सब कुछ बता सकते हो? ऐसा कुछ तो जैसे कि आपको बेनिफिट, जैसे आप नर्सिंग में जा रहे हो तो नर्सिंग में जाएंगे तो आपको जैसे फीमेल कैंडिडेट बहुत मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट के थोड़े अप डाउन हो सकता है। और जैसे कि आप लैब टेक्नीशियन में जा रहे हो तो लैब टेक्नीशियन में आप फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट, आप दोनों ही बहुत अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं और इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जो मेडिकल फील्ड से थे, हमारे जो सीनियर्स थे जो लैब टेक्नीशियन के जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, वो बड़ी बड़ी जो कंपनी रहता है कि जैसे कि टाटा का है, मेट्रोपोलिस का है, और जो रेड क्लिफ का है और लाल पैथ का, बड़ी बड़ी जैसे प्राइवेट कंपनी, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती है। जैसे कि आप तो लैब मैनेजर बन सकते हैं सिर्फ डिप्लोमा के बेस में। जो मेरे बहुत ट्यूटर थे वो सब डिप्लोमा के बेस में 5 से 7 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ, और सीधा वो लैब एडमिन बन गए, लैब एडमिन, लैब सुपरिटेंडेंट, जो अभी रेलवे में निकला है लैब सुपरिटेंडेंट, बाकी पोस्ट में प्राइवेट सेक्टर में गए, उनका भी पेमेंट अच्छा खासा 35 से 40 हजार है। बहुत अच्छी जगह जॉब लगी है, तो बहुत अच्छे फील्ड है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपको आप अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं सीखने की, अगर आपको इच्छा है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज की मुझे इसमें कमी लगती है कि इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए नहीं है इसके ऊपर में। तो इसमें ये होता है कि कोई भी मतलब इवन आर्ट्स वाला बंदा भी यहाँ पर ना
DMLT वगैरह कर रहे हैं और आसानी से, एकदम आसानी से। और कई तो ऐसे हैं जो घर में भी डिग्री मिल जाता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम मुझे थोड़ा ये लगता है कि मतलब कोई भी अगर कर ले रहा है ना, तो मतलब इसमें इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ऊपर से जॉब सिक्योरिटी है नहीं क्योंकि काउंसिल तो है नहीं, और जो गवर्नमेंट भी जो वैकेंसीज निकालती है, जैसे छत्तीसगढ़ में देखा होगा, छत्तीसगढ़ में परमानेंट कभी एकदम आया तो आया, परमानेंट का नामो निशान नहीं देखने को मिलता। और जैसे सेंट्रल लेवल में देखें, तो जैसे आपने अभी बताया कि RRBA में अभी जो निकला हुआ है, तो RRBA में भी ऐसा है कि कुछ एलिजिबिलिटी, जैसे कि सुपरटेंडेंट बनना है उसके लिए BSc MLT मंगा है, डायरेक्टली आपने देखा होगा इसमें BSc MLT मंगा हुआ है, तो BSc+DMLT नहीं मंगा है वो, मतलब BSc MLT कंबाइन होना चाहिए, मतलब जो कोर्स, जो डिग्री वाला कोर्स होता है ना, डिग्री वाला में BSc MLT कंबाइन में होता है ना, तो वो मंगा हुआ है, और शायद DMLT+ कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी मंगा है शायद उसमें, है ना। तो थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम यही लगता है कि कोई भी अगर ये कोर्स कर लेता है ना, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, फिर एक जो इंटरेस्ट होता है ना वो लोगों में खत्म होते हुए दिखता है, और जो लोग कर लेते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा उनको पछतावा होता है कि यार बहुत लोगों ने किया हुआ है, ऊपर से जॉब नहीं आ रही है, ये सारी चीजें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है। बाकी आगे सुधार किया जा सकेगा इसमें, क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, और अभी फिलहाल में मुझे एक फिजिक्स वाला से भी एक ऑफर आया था, उन्होंने बोला कि हमें कोर्स लॉन्च करने हैं, तो वो कोर्स का आप थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए, तो मैंने बोला ठीक है कर दूंगा, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी जो संस्था है, अगर ये अगर ले ना इस चीज को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि बड़ी संस्था है तो ये कुछ करेगी भी इसके ऊपर में, कि जॉब भी आए इसके ऊपर में, क्योंकि छोटी छोटी जैसे हमारे पैरामेडिकल काउंसिल है कुछ नहीं करता रजिस्ट्रेशन देने के अलावा, और जॉब भी नहीं निकलता, और जिन लोगों ने अपना संगठन बनाया खुद का, जैसे हमारा एक संगठन है JFMLT के नाम से, तो वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर काम कर रही है, लेकिन फंडिंग कम होने की वजह से जो है काम में ज्यादा यहाँ पर सुधार देखने को नहीं मिलता है, काम इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे तो मुझे ये भी लगता है कि जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर में, कि राजस्थान का जो पैरामेडिकल काउंसिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर ना रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर बाहर से आपने कोर्स किया। जैसे उन लोग थे कुछ लोग जिन लोगों ने कोर्स गुजरात से किया था, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि गुजरात में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, वो NOC मांग रहे हैं उनसे, ये दिक्कत आई थी उनको। और वहां पर खैर वैकेंसीज वगैरह तो आती है, लेकिन थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे थोड़े भटक जाते हैं, दूसरे तरफ से कोर्स कर लेते हैं या फिर गलत जगह से कोर्स कर लेते हैं। तो ये मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्स करते हो तो आप पहले पैरामेडिकल काउंसिल में जाकर पता करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मंगा जाएगा हॉस्पिटल्स में, क्योंकि राजस्थान में ये रूल है कि वहाँ सब हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब तक स्टूडेंट का पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो के भी आप उनको जॉब नहीं देंगे, तो उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाया, जो बच्चे अभी भटक रहे इस चीज के लिए बाहर में, कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग वहीं पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है 5 साल 10 साल जितना भी टाइम लगे उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है मेडिकल का, कोई कुछ गलती करता है उसकी वजह से पूरा डायग्नोसिस करते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग कुछ डायग्नोसिस गलत देते हैं डॉक्टर को, वो ट्रीटमेंट भी गलत करेगा, वो दवाई भी गलत देगा, उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, कुछ सीवियर केसेस हो सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे सुधार होगा, और मेरे वीडियोस खासकर लोग देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होते थे और डिमोटिवेट होते थे, कि ये हमेशा डिमोटिवेट करता है और नेगेटिव बातें ही करता है हमेशा, तो मैं नेगेटिव बातें नहीं करता था, मैं बस उनको ये बताता था कि भाई जो गलती मैंने की है और जो गलती लोग कर रहे हैं वो गलती आप मत दोहराओ, मैंने ये तक भी बोल दिया था उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं था, तो आप लोग ये कोर्स मत करो, आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलेगी, अभी जॉब मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैं इतना फैला हुआ हूँ हर जगह पे, मैं कॉन्टेक्ट है, फिर भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ बोला था।
लेकिन अभी खैर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप कोर्स करोगे ना तो आप जो है डिग्री कोर्स करो, वो बेटर है, क्योंकि आपको पोस्ट जो हायर पोस्ट जो होती है वो मिलने में आसानी होती है। और जैसे कि कुशाल ने किया है DMLT BSc करने के बाद, वो भी कर सकते हो, क्योंकि BSc करने के बाद भी आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आपको मास्टर करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाद में। अगर आपने सोचा कि मुझे PhD भी करना है, अब मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ और आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो कुशाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा होप करता हूँ। और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।